हाँ जी, बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को। आज के इस वीडियो में भाइयों हम लोग बात करेंगे, हाल ही में कॉन्ट्रोवर्सी इरप्ट हुई है, अनुराग कश्यप पे किसी लेडी ने इल्जाम लगाया है कि सेक्सुअल मिसकंडक्ट का, सेक्सुअल वायलेंस, रेप वगैरह का, उसके बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूं। स्पेसिफिकली अनुराग कश्यप के केस को लेकर के, कौन लेडी है, क्या नाम है, क्या केस, उसमें मैं नहीं जाने वाला। मैं बात करूंगा मैक्रो पर्सपेक्टिव से, मतलब लार्जर इंटरेस्ट में, और कुछ बातें रखना चाहूंगा जिसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और शायद भारत के कानून, भारत के पार्लियामेंट और भारत की सभी भारत की कोर्ट को इसके बारे में सोच विचार करने की जरूरत है और शीघ्र ही अमेंडमेंट्स लाने की जरूरत है, चाहे नए कानून को लाने की जरूरत है या गाइडलाइंस और इफेक्टिव कोर्ट ऑर्डर्स और जजमेंट्स की जरूरत है। क्या ये मैं रिकमेंड कर रहा हूं सारे केसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट और रेप के केसेस में कुछ बातें इनका ध्यान रखा जाए। पहला, मेरा मानना है कि ये जो रेपिस्ट होते हैं, सारे जेन्युइन केसेस जिसमें रेप किया जाता है, रेप साबित हो जाता है, मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि जरूरत है इस देश में केमिकल कैस्ट्रेशन की, मीनिंग जो जिसपे रेप का केस साबित हो गया और वो कन्विक्ट हो गया, उस आदमी पे केमिकली उसको कैस्ट्रेट कर देना चाहिए, ताकि जो सजा उसको हो 11 साल, 14 साल, 20 साल वो तो हो ही, साथ ही साथ वो जिंदगी में कभी भी एक और रेप नहीं कर सके, उसको केमिकली कैस्ट्रेट कर देना चाहिए। इट मे साउंड अ लिटिल एक्सट्रीम इन 2020, लेकिन मेरा मानना है कि जो उसने रेप का कांड किया उससे ज्यादा एक्सट्रीम कुछ नहीं हो सकता, और ऐसे इंसान को जेल के साथ, जेल के कन्विक्शन के साथ साथ केमिकल कैस्ट्रेशन भी करना चाहिए, इसको मैं रिकमेंड करता हूं। हाँ, और मेरा मानना है कि भारत की हर महिला मेरे से सहमत होगी और भारत का हर प्रोग्रेसिव थिंकिंग पुरुष जिसके में रेप वाली मानसिकता नहीं है, रेपिस्ट की मानसिकता नहीं है, मेरे से वो सहमत होगा। तो पहली तो मैं ये बात रिकमेंड कर रहा हूं, बड़ा जरूरी है, इससे जरूर किसी ना किसी हद तक एक फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा डर भी, थोड़ा और डर पैदा होगा रेपिस्ट की माइंडसेट में कि तुम पकड़े गए और कन्विक्ट हुए तो तुम्हें केमिकली कैस्ट्रेट किया जाएगा। और हिंदी में, क्योंकि कुछ रेपिस्ट शायद ना समझे केमिकल कैस्ट्रेशन का मतलब, केमिकल कैस्ट्रेशन का मतलब है कि आपको केमिकल के माध्यम से इम्पोटेंट कर दिया जाता है, यानी आप एक पुरुष की तरह संभोग करना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, फिर आप संभोग नहीं कर पाएंगे, आप इनकेपेबल हो जाएंगे संभोग करने के लिए। तो ये मैं रिकमेंड कर रहा हूं, ये पहली चीज जो मैं रिकमेंड कर रहा हूं, भारत में बढ़ते रेप केसेस, सेक्सुअल असॉल्ट केसेस के कारण से, ये मैं पहली चीज रिकमेंड कर रहा हूं। इससे मेरी भारत की 65 करोड़ प्लस की आबादी की महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी और मैं हमारे भारत की सभी महिलाओं के साथ हूं। दूसरी चीज जो मैं रिकमेंड करता हूं, भारत के जुमलेबाज प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने हाल में एक नारा लगाया है, आत्मनिर्भर भारत का, तो उसी नारे को आगे लेकर उन्होंने तो जो लगाया वो फालतू नारा था, खैर भारत को मारने का, आत्महत्या करने का नारा था, लेकिन इस नारे को वाकई आगे लेकर मैं ये रिकमेंड करता हूं कि भारत की सभी नारियां, खास करके बच्चियां हमारी, जब वो 12-13 साल की उम्र की होती हैं और 7वीं-8वीं कक्षा में जाती हैं, तो 7वीं-8वीं कक्षा से लेकर 11वीं कक्षा तक 2 से 3 साल सभी स्कूल में, सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल्स में, महिलाओं के लिए खास करके मैंडेटरी हो जाना चाहिए, मतलब कंपलसरी हो जाना चाहिए सेल्फ डिफेंस की क्लासेस भारत के हर स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल में। इसके लिए मिनिस्ट्री फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज और यूजीसी, सीबीएसई, आईएससी वगैरह, यूपी बोर्ड, ये सभी बोर्ड्स को साथ मिलके, भारत की एचआरडी मिनिस्ट्री के साथ मिलके जल्द से जल्द इसमें काम करना चाहिए कि अगले साल ही से या इसी साल से भारत के हर स्कूल के करिकुलम में कंपलसरी हो जाए क्लास 7th से लेकर क्लास 11th तक, या क्लास 8th से लेकर 11th तक। 12th में इसमें नहीं कर रहा हूं क्योंकि 12th में पढ़ाई का और ज्यादा जोर होता है, ज्यादा फोकस होता है, लेकिन
सातवीं कक्षा से ग्यारहवीं कक्षा तक या सातवीं कक्षा से दसवीं कक्षा तक या आठवीं कक्षा से ग्यारहवीं कक्षा तक माने दो से तीन साल, ये 13 से 15-16 की उम्र के बीच सभी लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस क्लास कंपलसरी हो जाए स्कूल के करिकुलम में, एक सब्जेक्ट की तरह कि डेली आधे घंटे से 40 मिनट की सेल्फ डिफेंस क्लास हो। उस सेल्फ डिफेंस क्लास में भारत में कोई कमी नहीं है सेल्फ डिफेंस ट्रेनर्स की। इसमें हमारे जानने वाले भी और सोशल मीडिया पे बहुत बड़े दो नाम हैं, नाम लेना चाहूंगा। एक तो शिफु कनिष्का शर्मा है, सोशल मीडिया पे हैं, फेसबुक पे देखेंगे उनको, यूट्यूब पे देखेंगे, गूगल कर लीजिए शिफु कनिष्का शर्मा। ही इज एन इंटरनेशनली रिनाउंड कंफू एंड मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट जो क्लासेस करते हैं, होल्ड करते हैं क्लासेस, और सेलिब्रिटी, बहुत से सेलिब्रिटीज बॉलीवुड वालों को भी उन्होंने मार्शल आर्ट सिखाई है। और दूसरे हैं शिफु शौर्य भरद्वाज, सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर है, उनका नाम भी वेल नोन है, गूगल कर लें। ये दो लोगों को तो मैं जानता हूं, एक को पर्सनली जानता हूं मैं और दूसरे को पर्सनली नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से जानता हूं। तो बस ये, और ऐसे तमाम मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट होंगे तो सभी स्कूलों में, जैसे आप लोग फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, संस्कृत के लिए, फिजिकल ट्रेनिंग के लिए, क्रिकेट के लिए, फुटबॉल के लिए, हाँ, एलोक्यूशन के लिए, डिबेट के लिए वगैरह वगैरह आप लोग टीचर को नियुक्त करते हैं, इसी प्रकार से ऐसे मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट्स को आप लोग एंगेज करें एज टीचर्स, एंड उनसे बड़े जो और बड़े लेवल के एक्सपर्ट्स हैं उनको एज गेस्ट फैकल्टी आप लोग एंगेज किया करें। और इन सभी बच्चियों को अगर 2-3 साल आपने स्कूल में मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दिला दी तो वाकई भारत की 65 करोड़ महिलाएं आत्मनिर्भर हो जाएंगी। क्योंकि बताना चाहता हूं, फ्रॉम एक्सपीरियंस मैं बताना चाहता हूं, मतलब पॉजिटिव एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं, मेरे साथ कोई नेगेटिव एक्सपीरियंसेस ऐसे नहीं होते, भला आदमी हूं, आई थिंक भारत की हर कन्या विल वाउच फॉर इट, कि ये बच्चियां एक बार मार्शल आर्ट सीख लेती हैं, जैसे कनिष्का शर्मा है जिनका नाम लिया, या शौर्य भरद्वाज है, इनसे अगर इन्होंने सीख लिया या ऐसे कोई भी मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट से सीख लिया दो तीन साल में हर बच्ची जो है व्हाइट बेल्ट से बिल्कुल 3 साल में आप ब्लैक बेल्ट आपको मिल सकती है, आप इतने माहिर हो सकते हैं। ब्लैक बेल्ट का मतलब एक्सपर्ट हो गए आप एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट्स में, चाहे वो जूडो हो, चाहे कराटे हो, चाहे ताइक्वांडो हो, चाहे निंजुत्सु हो, चाहे कंगफू हो वगैरह वगैरह, चाहे थाई किक बॉक्सिंग हो, चाहे एमएमए मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स हो। तो एक बार आपने ऐसा कर लिया तो आप वाकई आत्मनिर्भर बन जाते हैं, और आप एक लड़की आप सक्षम हैं कि आपसे आप 1, 2, 3, 4 प्लस पुरुष, 4 प्लस मर्द, 4 प्लस आदमी हट्टे कट्टे भी हो, आप उनसे अपनी इज्जत की, अपनी जान की रखवाली कर सकती हैं, उनको मार मार के आप बटेर बना सकती हैं, ये सच है। तो ये देश, ये भारत जिसमें इतने रेप होते हैं, इतनी लड़कियों की छेड़छाड़ होती है, इतने सेक्सुअल वायलेंस के केसेस होते हैं, हमारी भारत की कन्याएं सभी 65 करोड़ महिलाओं को मैं रिकमेंड कर रहा हूं हर बच्ची के स्कूल के लिए कंपलसरी हो जाए, 13 साल से 16 साल की बच्ची को 2 से 3 साल कंपलसरी हो ट्रेनिंग मार्शल आर्ट्स में। एक बार ये हो गया तो गारंटी मैं लेता हूं इस देश में रेप हो ही नहीं सकेंगे, क्योंकि जो रेप के मानसिकता वाले लोग हैं वो एक्चुअली मेंटली और फिजिकली बड़े कमजोर लोग होते हैं, इसीलिए उनके में ऐसी मानसिकता भी आती है। और जब वो इस किस्म का रेप छेड़छाड़ की हरकत करने की कोशिश करेंगे तो ये लड़की सक्षम होगी, क्योंकि मार्शल आर्ट्स आपको सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग नहीं बनाता है, मार्शल आर्ट्स आपको मेंटली स्ट्रांग भी बनाता है। तो ये लड़की सक्षम होगी, ये उनको इतना मारेगी कि शायद आगे जाके जो मैंने केमिकल कैस्ट्रेशन वगैरह की बात की कानूनन, वो भी जरूरत ना पड़े, लड़की ही उनका इलाज कर देगी मार मार के, कि ये कभी दोबारा किसी और लड़की से पे ना नजर उठा के देखेंगे और ना शायद एक मर्द की तरह, एक पुरुष की तरह शायद ये बहुत तरीके से सक्षम भी ना हो उस लड़की पे नजर उठाने के या किसी तरीके से उसको सेक्सुअली वायलेट करने के, क्योंकि वो लड़की इनका इलाज कर चुकी होगी। हाँ,
तो आत्मनिर्भर बने भारत की सभी कन्याएं, मैं इसको हाईली रिकमेंड कर रहा हूं, इस बात को ध्यान से सुने। ये मेरा दूसरा रिकमेंडेशन था आज के इस टॉपिक पे। अब मैं आ रहा हूं तीसरा रिकमेंडेशन, क्योंकि देखिए कभी भी कोई भी बात के दो पहलू होते हैं, हमें दोनों पहलुओं को देखना है। एक जो जेन्युइन केसेस हैं वहां, जैसे मैंने कहा केमिकल कैस्ट्रेशन हो, दूसरा मैंने कहा लड़कियां आत्मनिर्भर बने, इतनी स्ट्रेंथ उनको एक्सपर्ट्स बन जाए सेल्फ डिफेंस में कि कभी जरूरत ही ना पड़े, कोई लड़का हरकत करे एक नहीं चार लड़कों को मार मार के बटेर बना दे लड़कियां। अब मैं तीसरे पॉइंट पे आ रहा हूं, तीसरा पॉइंट मैं ये रिकमेंड कर रहा हूं, इससे पहले मैं इसके दूसरे पहलू पे आऊं, तीसरा पॉइंट मैं रिकमेंड कर रहा हूं भारत के लॉ मिनिस्ट्री को, पार्लियामेंट को, भारत के कोर्ट्स को, कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाए सारे केसेस ऑफ सेक्सुअल क्राइम्स के केसेस में। और आजकल फास्ट ट्रैक कोर्ट भी मजाक बन गया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स नाम के होते हैं लेकिन वहां हियरिंग्स फिर भी छह महीने में निपटती नहीं है, इस प्रकार का नहीं। मेरा लिटरली मानना है कि हर रेप केस, हर एलिगेशन ऑफ रेप केस, हर सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट केस में, हर सेक्सुअल वायलेंस केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाए और लिटरली टाइम बाउंड 3 महीने के अंदर। देखिए हमारे बहुत से कानून है, कहना नहीं चाहिए, डिवोर्स तक के कानून कहा जाता है कि 6 महीने में डिवोर्स केस खत्म हो जाना चाहिए, जबकि 1.5-2-3 साल लग जाते हैं। कंज्यूमर केसेस में लिखा हुआ है 3 महीने 6 महीने में कंज्यूमर केस खत्म हो जाना चाहिए, 1.5 से 3 साल लग जाते हैं। प्रॉपर्टी केसेस में 30 साल लग जाते हैं, क्रिमिनल केसेस में 3 साल से 10 साल लग जाते हैं, सिविल केसेस में 3 साल से 10 साल लग जाते हैं, तो मजाक बनाओ। जबकि कानून में लिखा हुआ है ऑलमोस्ट इन सभी 70% केसेस में लिखा हुआ है कि 3 से 6 महीने में केस खत्म होना चाहिए, लेकिन नहीं होता, तो ये मजाक बन गया। मेरा कहने का मतलब है फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब 3 महीने के अंदर डिसीजन आ जाना चाहिए, चाहे जो हो जाए। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने सभी रेप केसेस हैंडल करने में, और लिटरली 3 महीने में फ्रॉम बिगनिंग टू एंड टू डिसीजन टू कन्विक्शन या बाइजत बरी केसेस, क्या फास्ट ट्रैक तरीके से डिसीजन हो। ये मेरी तीसरी रिकमेंडेशन है आज के टॉपिक पे। अब चौथी रिकमेंडेशन पे आता हूं, ये इसका दूसरा पहलू है मैटर का जो बहुत जरूरी है। हर स्टोरी में हेड्स होता है और टेल होता है, दोनों को देखना जरूरी है। देखिए गेम बराबरी का है, आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन में एक महिला और एक पुरुष बराबर हैं, ये ध्यान रखें। महिला का एक एक्स्ट्रा राइट नहीं है, पुरुष का एक एक्स्ट्रा राइट नहीं है, ठीक है। तो चौथा कंडीशन जिस पे मैं आ रहा हूं, दूसरा पहलू है, वो ये है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में ये केसेस जाए और वो सभी केसेस जिसमें लड़का बाइज्जत बरी होता है उसके साथ कोर्ट ये पाता है कि ये केस ऑफ मलिशियस प्रोसिक्यूशन था, जिसमें झूठ केस फाइल किया गया, जिसमें लड़का बरी इसलिए नहीं हुआ कि केस उसके खिलाफ साबित नहीं हो पाया, लेकिन वो बरी हुआ, बाइज्जत बरी हुआ। दोनों में बहुत फर्क होता है। देखिए दो किस्म के केसेस होते हैं जिसमें कन्विक्शन नहीं होती, आप छूट जाते हैं। एक जिसमें कोर्ट कहता है आपको बाय इज्जत बरी किया जाए, मतलब आपकी इज्जत इंटैक्ट है, जो हुआ टोटली आप इनोसेंट निकले केस। और दूसरा होता है क्योंकि केस आपके खिलाफ साबित नहीं हो पाया, क्योंकि एविडेंस इतना स्ट्रांग नहीं था, इसलिए आपको कन्विक्ट नहीं किया जा रहा है, आपको छोड़ दिया जा रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप गुनहगार नहीं थे। दोनों तरीके से आप छूट सकते हैं। जिस केस में आप बाइज्जत बरी हो रहे हैं और कोर्ट ये पाता है जांच पड़ताल में कि आपके खिलाफ मलिशियस प्रोसिक्यूशन हुआ, झूठा केस फाइल किया गया आपको प्रताड़ित करने के लिए, और इसमें लड़की गलत थी, झूठा केस उसने फाइल किया चाहे पैसा कमाने के लिए या नाम कमाने के लिए, आपकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए, ऐसे सभी केसेस में जब 3 महीने में आप बाइज्जत बरी हो और जज साहब ने ऐसी नोट लिखा है जजमेंट में कि आपके खिलाफ झूठा केस था, तो ऐसे में जो कन्या है, जो लड़की है जिसने झूठा केस डाला आपके खिलाफ, उसी जजमेंट में ऐसी लड़की, ऐसी कन्या के खिलाफ 7 साल 10 साल की सजा होनी चाहिए, झूठे केस में आपको फंसाने की कोशिश करने में। ये बहुत बहुत जरूरी है। जब ऐसे झूठे केसेस में ये झूठी लड़कियां कन्विक्ट होंगी और जेल जाएंगी 7 साल 10 10 साल के लिए, तो इनके होश उड़ेंगे, इनकी तबीयत ठीक होगी, और इससे एक और बहुत बड़ा फायदा होगा कि जो सच्चे जेन्युइन केसेस हैं,
जहां पे वो वीक हो जाते हैं क्योंकि ये झूठे केसेस के कारण से, उन केसेस को भी और स्ट्रेंथ मिलेगी, कन्विक्शंस और बढ़ेंगी। जो जेन्युइन केसेस होंगे जिसमें लड़की प्रताड़ित है, वो उन केसेस में उसको जस्टिस और आसानी से अच्छे से मिलेगा। और ये झूठे केसेस जिसमें लड़के जो निर्दोष होते हैं, फंसाए जाते हैं पैसे के कारण से और ईर्ष्या के कारण से और किसी और कारण से, ऐसे में उन लड़कों को प्रताड़ित नहीं होना पड़ेगा क्योंकि कानून बराबर है। और ये लड़कियां जो ऐसे झूठे केसेस डालती हैं, इनको कन्विक्शन हो और जेल हो, ताकि ये समझे कि अगर झूठा केस डाला और किसी की जिंदगी खराब करने की कोशिश की या नाम खराब करने की कोशिश की, तो तुमको भी सजा मिलेगी और 3 महीने के अंदर तुमको भी कन्विक्शन होके जेल में डाला जाएगा। बहुत जरूरी है ये चौथा पहलू, इसको भूलना नहीं चाहिए। भारत की सभी 65 करोड़ महिला मेरे से इस बात में अग्री करेंगी, सिवाय उन महिलाओं के जिनके मन में कहीं पे, जैसे मैंने कहा, वो मर्द जिनमें कहीं मानसिकता उनकी सड़ी हुई है, रेप वाली है, वैसे ही वो महिला जिनकी मानसिकता सड़ी हुई है और झूठे केस में फंसाने वाली और भारत के कानून का फायदा और एडवांटेज लेने वाली है, वही महिलाएं मेरे से अग्री नहीं करेंगी। बाकी भारत की हर अच्छी महिला, हर झांसी की रानी, हर सत्यवादी महिला मेरे साथ अग्री करेगी। बहुत जरूरी है ये चौथा पहलू। पहले 3 चीजों पे गौर किया जाए और चौथे पे अगर नहीं किया आपने, तो पहले 3 पे गौर करना बेकार है क्योंकि वन साइडेड हो जाएगा और भारत के आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन का ही वायलेशन होगी। चौथा पहलू भी उतना ही जरूरी है जितना पहला, दूसरा और तीसरा है। ये हो गई मेरी चौथी कंडीशन जिसके बारे में मैं अपनी बात रखना चाहता था। इसी के साथ भाइयों, मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। ये 4 कंडीशंस इस स्टोरी, इस कंट्रोवर्सी को लेकर के, अनुराग कश्यप वाला जो लेटेस्ट केस हुआ है, मैं उस पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जैसे मैं कह रहा हूं, ये केस पहला नहीं है, ये केस आखिरी नहीं है, ऐसे केसेस आए दिन होते हैं। जो जेन्युइन है उसमें छोड़ना नहीं चाहिए लोगों को, 1, 2, 3 लगाया जाए जो मैंने कंडीशंस दी, और जो जेन्युइन नहीं है उसमें 4th नंबर की कंडीशन भी लगनी जरूरी है। ये 4 कंडीशंस अगर भारत में लागू हो जाए लॉ मिनिस्ट्री, पार्लियामेंट और कोर्ट के माध्यम से और पुलिस प्रशासन के माध्यम से और भारत की सोसाइटी के माध्यम से, सिविल सोसाइटी के माध्यम से, तो बाय गॉड वो दिन दूर नहीं है जब भारत में रेप ना के बराबर हो जाए और वो केसेस जो फॉल्स होते हैं जिसमें पैसा का एक्सटॉर्शन का रैकेट चलता है, नाम खराब होता है, बच्चे की जिंदगी, लड़के की जिंदगी खराब होती है, उसके परिवार की, वो भी केसेस ना के बराबर हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ ये 4 कंडीशंस अगर पूरी हो। अगर ये निकम्मी निठल्ली सरकार की नियत हो तो ये चीजों को 3 महीने के अंदर लागू किया जा सकता है, लेकिन मुझे पता है इनकी नियत नहीं है। इसी कारण से भारत आर्मी से जुड़िए, टीम भारत से जुड़िए, व्हाट्सएप करिए 9899874982 पे अपना नाम, अपना शहर का नाम, राज्य का नाम, और बताइए क्यों टीम भारत से जुड़ना चाहते हैं। और स्वागत है आपका टीम भारत में। टीम भारत से जुड़िए, हमारे संगठन से जुड़िए। 2024 में टीम भारत संगठन को 10 करोड़ की आर्मी बराबर बनाइए, ताकि मौजूदा भाजपा सरकार को हम लोग गिराएं, मुंह की गिराएं, और एक नए भारत की नवनिर्माण कर सके, एक नई सरकार बनाए जो भारत की सरकार हो, भारत के लोगों की सरकार हो, ऐसी सरकार हो जिसपे गांधी जी प्राउड हो, भगत सिंह जी प्राउड हो, नेताजी प्राउड हो, अंबेडकर जी प्राउड हो, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी, अशफाक उल्ला जी प्राउड हो, और हमारी झांसी की रानी प्राउड हो। भारत की सभी महिलाओं के लिए ये वीडियो आज मैंने डेडिकेट किया, भारत के सभी पुरुषों के लिए जो कि रेप मानसिकता के नहीं है और जो सही के साथ हैं, उनके लिए भी मैंने ये आज का वीडियो डेडिकेट किया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टीम भारत से, भारत आर्मी से जल्दी जुड़े। जय हिंद, जय भारत।